इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एसटी कॉलेज एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों विंग्स कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, और नया करने का अभिप्राय ये होता है कि हम निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया से अपना संस्कार करते रहें जिससे कि नवीनता भी बनी रहे, उत्साह भी बना रहे और हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। यही कुल मिलाकर के एनसीसी की टोटल जो ट्रेनिंग है, कुल मिलाकर के उसकी जो संकल्पना है, उसका यही लक्ष्य है कि हम अग्रसर भी हों लेकिन साथ ही साथ हमारा संस्कार भी हो, हम में गुण भी हो और हमारे दोष निकलें। यही कुल मिलाकर के एक पूरी संकल्पना एनसीसी के माध्यम से आती है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ महीने जो बड़े मनुष्यता के लिए कठिनाई के रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, और उसमें हमने शब्द प्रयोग कर दिया सोशल डिस्टेंसिंग, और वो गलत शब्द का ऐसा प्रयोग हुआ कि उससे लोगों की आपस में बातचीत करना ही बंद हो गया, जबकि चाहिए शब्द था फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करना जो है वो बड़ा आवश्यक होता है, अन्यथा वो समाज में बहुत दूर तक, समाज की यात्रा में बहुत दूर तक चले जाते हैं और वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए कोरोना की वजह से आने वाले जो अवसाद हम लोगों के मनों में रहे हैं, जो क्रियाशीलता होनी चाहिए थी, जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो उस रूप में नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी नवीनता की ओर उत्सुकता ने आदमी को, हम सभी को इस बात के लिए उत्सुक किया कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो निरंतर कुछ ना कुछ नया खोजता है, एक उसे उत्सुकता जो है वो जीवन में चलाए रखती है, चलायमान रखती है। ये उसी का एक पार्ट है, और आप इसको यूं ही समझिए कि ये आप लोगों की ट्रेनिंग का पार्ट है, और ये दो तरह की ट्रेनिंग है। एक तो ये कि हम जो, जिसे हम भारत कहते हैं, जिसे अपनी माँ समझते हैं, उसके लिए जो बलिदान दिए गए हैं, उन बलिदानों को देने वाले लोगों को हम स्मरण करते हुए अपने में वो भावना, अपने में वो भावुकता का अनुभव करें जो इस मिट्टी को माँ बनाती है। वो मिट्टी को सिर्फ मिट्टी नहीं रहने देती, वो केवल एक फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उसके साथ हमारा एक भावनात्मक संबंध होता है, क्योंकि इस मिट्टी में उन बलिदानियों का लहू जो है, रक्त जो है, वो इसमें शामिल है। तो उस बात को स्वीकार करते हुए, ताकि हमारे भीतर भी वो भावना विद्यमान रहे, ये एक इसका पक्ष है। दूसरा पक्ष जो है इस आज के इस आयोजन का, वो पक्ष ये है कि हमें भाषा के माध्यम से जो एक भावाभिव्यक्ति है, एक जो वीरता का भाव भारतीय संदर्भों में रहा है, उसको हम किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या मेरे पास, एक कैडेट के पास इतनी सशक्त भाषा है कि मैं उन वीरों के बलिदानों को स्मरण करते हुए, भावना से भरते हुए, विचार से पूर्ण होते हुए, क्या मैं उसको सही रूप में अभिव्यक्त कर पाता हूं कि नहीं कर पाता। तो ये दो पक्ष हैं आज के इस संक्षिप्त से कार्यक्रम में, और आप इसको प्रयोग ही समझें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम सामान्य रूप से होते नहीं हैं, लेकिन आज हमने ये प्रयास किया है, और इसका श्रेय जो है मैं संदीप यादव को देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो सदा उत्सुक रहते हैं, और आप सब लोगों को भी उत्साहित करते रहते हैं, और वो आप सबको जानते ही हैं कि किस तरह से आप लोगों के साथ मिलके एनसीसी की कई गतिविधियों को वो अग्रसर करते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है संक्षिप्त सा, उसके बारे में मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ भूमिका के रूप में और
साझी करके फिर मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए कैडेट्स हैं जिनको हमने केवल आज निश्चित किया हुआ था कि कुछ एक कैडेट्स ही आज बात करेंगे, लेकिन फिर इसको हम भाग दो इसका एक करेंगे यदि हमारा ये प्रयोग सफल रहता है और प्रभावी रहता है। सफल और प्रभावी होना दोनों जो हैं अलग अलग बातें हैं। प्रयोग बहुत सारे सफल हो जाते हैं लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाते, लेकिन प्रभावी अगर हो जाए तो वो उसकी सफलता लगता है कि लगभग निश्चित हो ही गई है। तो मैं इसकी भूमिका के रूप में दो तीन बातें और स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय फौज के बारे में तो आप जानते ही हैं क्योंकि सीधे तौर पे आप जुड़े हुए हैं, और ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है फौज के बारे में जब वो कहते हैं इट्स माय नेचर टू बी काइंड जेंटल एंड ह्यूमन बट रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग माय कंट्री एंड माय पीपल फियर मी फॉर आई एम आल्सो मोस्ट डेडलीस्ट वन हु इज पावरफुल एंड रिलेंटलेस। ये भारतीय सैनिक है कि भीतर उसके करुणा भी है, वो विनम्र भी है, वो मनुष्य भी है, वो सारे गुण उसमें विद्यमान है, लेकिन साथ ही साथ जहां देश और अपने समाज की रक्षा का प्रश्न आता है वहां वो फियरेस्ट हैं, वो निर्भीक हैं और वो शत्रु की छाती के ऊपर पैर रखने का साहस करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों की कई तरह के अनुभव रहे हैं, कई तरह के उनके कहानियां रही हैं जो हमें साझी करनी चाहिए, और मुझे नहीं मालूम कि हमने अभी तक ये क्यों नहीं सोचा। कहानियां हम किस लिए सुनते हैं, उसके दो तीन पक्ष होते हैं। कहानी सुनने और सुनाने का एक लाभ होता है कि एक तो आपके और मेरे बीच में या अलग अलग व्यक्तियों के बीच में एक संवाद होता है, शेयरिंग होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष इस कहानी सुनने और सुनाने का है जो आज खत्म होती जा रही है हमारे समाज में से, और ये चिंता का विषय भी है कि इसमें हमारे भावनाओं का, मनों का, हमारी भाषा का संस्कार भी होता है कि मैं अपनी मिट्टी के वीरों की, अपने मिट्टी के सपूतों की जब कहानी सुनाता हूं तो कौन से शब्दों का प्रयोग करता हूं। क्या मैं बहुत हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग करता हूं, क्या मैं उनकी वीरता के उन श्रेष्ठतम क्षणों के लिए प्रयोग किए जाने वाले श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करता हूं जहां उनमें दया, करुणा, ममता भी है साथ में। तो यही बातें हमारा संस्कार करती हैं। वो चुनना पड़ता है कि मैं कहानियों के माध्यम से कौन से शब्दों का चुनाव करके अपना संस्कार करता हूं, क्योंकि जब आप शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि की कहानियां सुनते हैं तो आप देखते हैं कि वहां सैनिक होने के साथ साथ वो स्त्री का सम्मान कैसे करते हैं, वो किसी बच्चे के साथ हिंसा नहीं करते, वो किसी गरीब के साथ हिंसा नहीं करते। ये मूल्य रहे हैं भारतीय सेना के और परंपरागत ये मूल्य हैं। अगर कोई शत्रु मर गया है तो उसको उचित सम्मान दे करके उसको संस्कार किया जाता है, ये भारतीय सेना के, भारतीय परंपरा के ये मूल्य हैं। लेकिन ये बात आपको बाकी जगह मिलने वाली नहीं है, बाकी संस्कृतियों में मिलने वाली नहीं है, जो कि आप भारतीय इतिहास से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जहां पर लूटने आए हुए जो लोग हैं उन्होंने मारा, ना है कि हमने अपने मूल्यों को ध्यान रखते हुए किस तरह से आने वाले ये जो चुनौतियां हैं, इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियां हैं, वो चाहे वेस्ट में रही हैं, चाहे अरब में रही हैं या कहीं और रही हैं, उनको किस तरह से हमने उसको झेलना है, किस तरह से उसका मुकाबला करना है, किस तरह से उसका हमने प्रत्युत्तर देना है, क्योंकि उनकी क्रूरता के आगे हम अपनी भावुकता का प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास में हमने उसका बहुत नुकसान उठाया है, और उस पर जब हम कभी चर्चा करेंगे कि उन क्रूरताओं का क्या स्वरूप रहा है और किस तरह से भारतीय योद्धाओं ने उन क्रूरताओं का जवाब भी दिया है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे जब इतिहास, सही इतिहास को, ये एनसीईआरटी वाला इतिहास नहीं जो जिसमें बहुत सारा गलत सूचनाएं दी गई हैं,
उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, आधे अधूरे तथ्य दिए गए हैं, वो वाला इतिहास नहीं। हम प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे बात करेंगे। लेकिन मैं बात दोबारा अपने विषय के ऊपर आते हुए आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि भारतीय सैनिकों ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया है, जिन स्तरों को स्थापित किया है, जिस श्रेष्ठता को स्थापित किया है हमारे सामने, उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे हम। मैं जानता हूं कि इनमें से अधिकांश लोगों को आप नहीं पहचानते होंगे, सिवाय एक, शायद एक चेहरे को छोड़कर के आप बाकी सबको नहीं जानते होंगे। लेकिन ये एक कुछ ऐसे हीरोज रहे हैं, इनमें से कोई कुछ के नाम तो मैं खुद ही भूल गया हूं, लेकिन विक्रम बत्रा और मेजर शैतान सिंह, हाँ मेजर शैतान सिंह का शायद नाम आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत पॉपुलर वो एक सिपाही रहे हैं, वीर सैनिक रहे हैं, जो दुश्मन की चौकी में सीधे घुस जाते थे और वहां से दुश्मन को भागना पड़ता था। और ये पाकिस्तान की, हो सकता है आप में से किसी ने अगर मेजर शैतान सिंह की किसी कहानी को चुना हो तो आपको पता लगेगा कि कैसे वो खुद अकेले ही उनकी चौकी में घुस करके और वहां सारे सैनिकों को जो है उन्होंने भगाया, पाकिस्तानियों को, लोग पाकिस्तानी सैनिक उनके नाम से डरते थे। वाकई शैतान नाम के अनुकूल उन्होंने इतनी तरीके से उन फौजियों को, उन पाकिस्तानियों को पराजित किया है कि हमें फक्र होता है कि एक अकेला हिंदुस्तानी क्या कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेजर हमीद, अब्दुल हमीद और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, केवल कुछ एक चित्र मैं दिखा पा रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा कम था, इसलिए मैं पूरी पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पाऊंगा। इस व्यक्ति को निश्चित रूप से आप जानते होंगे और ये सैल्यूट के हमारे अधिकारी भी हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये केवल लीजेंड हैं हमारे भारतीय फौज में, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया और क्या कुछ इन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस भारत के लिए, इस सेना को खड़ा करने वाले, इसको मॉरल सपोर्ट देने वाले, इसको फिजिकल डिप्लॉयमेंट करने की जो क्षमता इनमें दिखाई देती है, वो जब इनके बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और हो सकता है इनके बारे में कोई कहानियां आप लोग साझी करें, नहीं होगा तो फिर अंत में मैं एक आप लोगों के साथ इनकी घटनाएं साझी करूंगा। और कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसे फील्ड मार्शल रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी फौजी को कोई सजा नहीं दी, और उसके बावजूद इनका मान सम्मान जितना है वो हमें गर्व की भावना से भर देता है। आप ऐसे ऐसे फौजियों को देखेंगे, ऐसे ऐसे हमारे वीर जवानों को देखेंगे जो लड़ते हुए अत्यंत घायल भी हो गए, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जिनका ये वाक्य था कि कट ऑफ माय लेग, ही डिड कट ऑफ हिज लेग विद नाइफ एंड नाउ गो बरी इट, और उसके बाद वो खुद अपने जवानों को लेकर के अग्रसर हुए, बढ़े और उस चौकी को फतह किया। ऐसे ऐसे लोग हमारे जो हैं इतिहास में रहे हैं, अत्यंत घायल होने के बावजूद वो अग्रसर होते रहे। और विक्रम बत्रा भी उनमें से एक हैं जो कहते थे, दिल मांगे ये दिल मांगे मोर। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पीवीसी, परमवीर चक्र जिनको मिला, नो सर आई विल नॉट अबंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। ये कहने का साहस रखने वाले लोग हमें कितना गर्व का अनुभव कराते हैं, ये बात आप जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं, और ये हमारे जैसे सामान्य लोग ही थे जिन्होंने शौर्य का, अदम्य पराक्रम का प्रदर्शन किया युद्ध में, और युद्ध के भी स्तरों को जो है स्थापित किया है। इस तरह से नहीं कि चोरी से मार दिया, कोई पीछे से आके मार दिया, ऐसा नहीं, उन श्रेष्ठता के स्तरों को भी रखा। हमारी वीरता और जो ग्रीक और पाश्चात्य वीरता के मानदंड हैं वो बहुत अलग अलग हैं। हमारी वीरता जो है वो इस तरह की नहीं है कि छिप करके मार दिया, ऐसा कभी भी नहीं रहा। वीरता अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे
तो आपको वीरता के वो पैमाने मिलेंगे जहां पर आप गर्व करेंगे, आपके खून में एक उबाल आएगा कि यार ऐसे भी हम लोग रहे हैं। और जबकि हमें पढ़ाया क्या गया है इतिहास के पन्नों में कि हम बहुत पिछड़े हुए थे और हम बड़े दरिद्र थे और हम लोग कभी जो है शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन जब आप इतिहास के असली पन्ने पलटते हैं तो आप देखते हैं चाहे वो पोरस रहा हो, शिवाजी रहे हो, महाराणा प्रताप रहे हो, राणा सांगा रहे हो जिनके शरीर पे 80 से अधिक जख्म रहे हैं, और वो लोग उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है, कौन से वीरता के पैमाने स्थापित नहीं किए हैं, उन सब बातों को हम धीरे धीरे जानेंगे अगर हमारा आज का ये प्रयोग सफल रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आज का प्रयोग हमारा सफल ही रहेगा क्योंकि सभी कैडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कैडेट्स ही हमेशा इन चीजों को करते हैं, आप लोगों की सफलता मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों के भीतर जो भावना है वो मेरे लिए सबसे महत्व की बात है। तो आज के हम कहानी जो है वो आरंभ करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर रमेश मदान जो हेड है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हमारे ही कॉलेज में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ और बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि हम कहानी को शुरू करते हैं, कहानियों को देखते हैं, सुनते हैं और फिर उसके बाद अंतिम जो चर्चा है उसको फिर हम समापन की ओर अग्रसर करेंगे। तो सबसे हमने जो चुने हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ और उसी सीरियल ऑर्डर में जो है वो हम इन कैडेट से कहानियां सुनेंगे अपने वीर जवानों की। सबसे पहले कैडेट सुरेंद्र मलिक, उसके बाद कैडेट राहुल यादव, उसके बाद कैडेट अंकित पोलिस्त, उसके बाद कैडेट अभिनव कात्यायन, कैडेट मोनू और कैडेट अभिषेक कनौजिया। इस सीरीज में जो है, इस सीरियल ऑर्डर में जो है, हम इन लोगों से कहानियां सुनेंगे और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कैडेट सुरेंद्र मलिक को कि वो अपनी बात हमारे साथ, उन्होंने जो कहानी सुनी चुनी है उस कहानी को हम सभी के साथ वो साझा करें। कैडेट जैन सर, जय हिंद। सुन पा रहे हैं सर मेरे को सर? हाँ, अपना वॉल्यूम फिर भी थोड़ा सा सुरेंद्र आप लाउड रखिए, ठीक है ओके सर, नो जी। प्रॉब्लम। मैं कैडेट सुरेंद्र मलिक आप सभी के सामने हमारी भारतीय सेना के एक वीर की गाथा प्रस्तुत करना चाहूंगा। सभी ने सुना होगा उनका नाम, जहां तक मेरे को लगता है, और मैं अपनी जिंदगी में भी उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के सिपाही थे, जो 1962 की नुरांग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए। उन्हें उनकी इस बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने लगभग 72 घंटों तक अकेले मुकाबला करते हुए चीन के साथ, जो 1962 का युद्ध हुआ था नुरांग में, अरुणाचल प्रदेश में है वो, वहां पे उन्होंने लगभग 72 घंटे अकेले मुकाबला किया था और लगभग 300 सिपाहियों को पराजित किया था चाइना के। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था वहां पर उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया बाद में भारतीय सेना के द्वारा, जहां पर उनकी इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई हैं। और आज भी माना जाता है कि वो वहीं पे आज भी ड्यूटी करते हैं। ये कितना सत्य है ये मैं नहीं जान पाया हूं अभी तक, लेकिन जहां तक मैंने सुना है वो यही कहते हैं कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज भी वहीं पे ड्यूटी करते हैं जहां वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और वह भारतीय सेना के ऐसे इकलौते सैनिक हैं जिन्हें शहीद होने के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। पहले नायक बने, फिर कैप्टन, और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। और लास्ट में मैं अंतिम बात ये कहूंगा कि उनके परिवार वाले जब जरूरत होती है उनकी तरफ से छुट्टी की दरखास्त देते हैं, और जब छुट्टी मंजूर हो जाती है तो सेना के जवान उनके चित्र को, मतलब जो उनका एक पोर्ट्रेट बनाया गया है, एक चित्र, उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। और जब उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती है और उसको उसी सम्मान के साथ उसी स्थान पर वापिस ले आया जाता है। इतना ही है सर मेरी तरफ से। बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा कि उनकी बहादुरी का
का अगर मैं जितना भी बोलूंगा वो कम ही रहेगा, क्योंकि 72 घंटे के लिए किसी अकेले का टिकना और बेखौफ टिकना, ये बहुत ही एक बहादुरी वाली बात है। बिल्कुल, बहुत सही कहा है। आप एक बार नाम दोबारा दोहराएं उनका। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। गढ़वाल यूनिट के थे सर वो, 4 उत्तराखंड। हाँ, यही बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं ये सीखने और सिखाने की भी बात है। इसको इसीलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। प्रयोग शब्द मैंने इसीलिए कहा कि हाँ जब यस आप कहानी सुनाने जा रहे हैं तो उसका संदर्भ जरूर स्पष्ट करें। जिस सैनिक की बात आप करने जा रहे हैं उसके रेजिमेंट जितनी भी जानकारी हो वो जरूर संक्षेप में साझी करें, और उन परिस्थितियों का जरूर वर्णन करें जहां पर जिस परिस्थिति में उन्होंने ये युद्ध किया और कार्रवाई को सरंजाम दिया। तो ये थोड़ा सा आप अवश्य इसको देखें। सर, मैं और इसमें थोड़ा और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो युद्ध कर रहा था तो उसे अंतिम समय में लगा कि चाइना वाले उसे पकड़ लेंगे। उसने मतलब 72 घंटे लड़ने के बाद भी उसे लगा कि चाइना वाले उसे पकड़ेंगे, तो उसने खुद को गोली मार ली थी, ऐसा कहा जाता है सर, लेकिन कितना सत्य है सत्य ये हम कह नहीं सकते। ये ठीक है बात, लेकिन ये जी हाँ बात इस बात को आप अगली बार जब सुनाएंगे जी तो सर ये सारी की सारी घटनाक्रम जो है एक प्रॉपर आप लिख करके, सही तरीके से लिख करके ये सारी सूचनाएं एक साथ आनी चाहिए, ताकि जो श्रोता है उसके मन में वो पूरी की पूरी बात बैठे राइफलमैन जसवंत सिंह जी के बारे में। ठीक है, जी ये सारी बातें आनी चाहिए, और उनको बिल्कुल कहां पर सर आज भी उनकी कुर्सी लगी हुई है, कहां पर उनके जो है आज भी वो ऑन ड्यूटी माने जाते हैं, ये सारी यस सर बातें आपको इसमें ऐड करनी चाहिए। लेकिन ठीक है बहुत सर अच्छी कहानी आपने चुनी है, 300 लोगों के साथ अकेले युद्ध करना ये कोई छोटी बात नहीं है। कितना साहस और कितना हौसला चाहिए होगा। यस संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ जी सर, ये जो बातें, ये जो कहा जा रहा है कि कितनी सत्य है कितनी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें पूर्ण सत्य है, बिल्कुल सच है, क्योंकि ये सारी बातें आर्मी के ऑन रिकॉर्ड्स आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर अवेलेबल है। उनको लीगली छुट्टी दी जाती है, लीगली उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है, लीगली उनके शूज पॉलिश होते हैं, लीगली रात को वो ड्यूटी देते हैं, प्रॉपरली सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है, सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू चल रहा है। बिल्कुल तो ये बातें बिल्कुल सत्य है, और इनका प्रॉपर मंदिर बनाया गया है जहां पे इनकी पूरी कहानी लिखी गई है, और रेगुलरली हर रोज हर तरीके से जैसे एक आम सिपाही काम करता है वैसे ही वो काम करते हैं, वैसे ही वो ड्यूटी चेक करने भी जाते हैं रात को, और अपने जो वहां पे जवान है उनको पनिश भी करते हैं, क्योंकि इनफैक्ट हमारी यूनिट भी एक बार वहां पे पोस्टेड थी, तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ वाक्य है। तो ये पूरी की पूरी कहानी एकदम सत्य है और ये बिल्कुल सही बात है। बहुत खूब संदीप, ये सूचनाएं देने के लिए बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र, अगली बार प्रयास ये करें जब आप ये कहानी सुनाएं तो जी सर साथ में उनका अगर आप चित्र भी कोई रख सकें, इसको फोटोग्राफ अगर साथ में ला सकें और एक पावर पॉइंट साथ में अगर बना दें, तो मैं समझता हूं कि वो हमारी एक बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल सर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्टोरी के ऊपर काम करेंगे। जी पावर सर पॉइंट आइए, 2-3 स्लाइड्स ही बनाइए, ज्यादा नहीं अपेक्षा है। जी ठीक है, सर और उससे जो है वो प्रभाव जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक बहुत है अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक बढ़िया कहानी आपने सुनाई है और अच्छा लगा। और देखो मैं भी सीधा होके बैठ गया हूं। ठीक है ना। जी सर जी तो सर चलिए अगले कहानी हम सुनते हैं कैडेट राहुल यादव से। कैडेट राहुल यादव, यस सर हाँ जी, आप हमारे लिए कौन सी कहानी लेकर के आए हैं? किस सेना के जैन जवान? श्रीमान, जय हिंद। जैन श्रीमान, मेरा नाम कैडेट राहुल सिंह है। कौन से आपके ईयर के सामने हैं? सर सेकंड ईयर, हाँ, पूरा परिचय देना कि मैं सेकंड ईयर का हूं। ठीक है, यस आप हाँ किस सेना के वीर की कहानी हमें सुनाने जा रहे हैं? सर, कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ कालिया, क्या बात, बहुत खूब, सुनाइए। आपके सामने हमारे भारतीय सेना के एक वीर की कथा प्रस्तुत करना चाहूंगा। फौज की कहानी, कैडेट की जुबानी। विजय विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे हीरो ने मात्र 22 साल की उम्र में
अपने तिरंगे के झंडे के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है, और इन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान किया, इन्होंने कोई गद्दारी भी नहीं की देश से। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया और पांच वीर जवान सिपाहियों की, जिन्होंने 22 दिन तक ऐसा युद्ध किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया के बचपन की। 29 जून 1976 में इनका जन्म अमृतसर में पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम M.K. कालिया था, जो कि एक डॉक्टर थे। सौरभ कालिया खेल और कूद में अव्वल लाते थे पहले से ही। अपनी शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर स्कूल से किया था इन्होंने, जो कि हिमाचल प्रदेश में था। BSc 1990 में BSc मेडिकल साइंस फर्स्ट डिवीजन से इन्होंने ग्रेजुएशन की। कैप्टन सौरभ कालिया की सिलेक्शन 1976 में CDS के जरिए हुई थी IMA में। 12 दिसंबर 1958 में ये कमीशन हुए थे फोर्थ बटालियन जाट में, जाट रेजिमेंट में हुए थे। इनकी पोस्टिंग 31 दिसंबर 1958 में कारगिल में हुई थी। अब चलते हैं बजरंग पोस्ट की ओर, जहां पर उन्हें पाकिस्तानी फौज ने पकड़ लिया था। यह बात 1999 की है, जब कैप्टन सौरभ कालिया और पांच वीर जवान बजरंग पोस्ट पर गए थे और उन्होंने जमकर मुकाबला किया था पाकिस्तानी फौज के साथ, और उनका वार्तालाप का सारी सुविधा खराब हो गई थी, जिसके कारण वह देश से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तानी फौज ने उन्हें पकड़ लिया था और बजरंग पोस्ट पे घेर लिया था, और पाकिस्तानी फौज ने उन्हें यह झूठा आरोप डाल दिया कि इन्होंने सीमा पार कर ली है, लेकिन उन्होंने की नहीं थी सर। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान फौज ने बहुत कोशिश करी कि वह कुछ उनका खुफिया राज जान लें, लेकिन वह नहीं जान पाए क्योंकि हमारे भारतीय वीर जवानों ने नहीं बताया उन्हें। इस तरह भारत माता ने अपने 6 जवान और खो दिए। 4 जेट रेजिमेंट को यह जवान हिंदुस्तान के हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू राहुल यादव, आपने बहुत बढ़िया हमारे लिए उदाहरण चुना है, और लेकिन कहानी सुनाने के लिए देखो थोड़ा सा अपना उत्साह भी बनाना होता है जब आप कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना। ये ठीक है कि पहली बार जब हम सुनाते हैं तो थोड़ी घबराहट भी होती है और हमें थोड़ा सा वो भी लगता है कि हम कुछ गलत ना बोल जाएं, लेकिन जब आप तैयार करके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको उत्साह के साथ, ठीक है ना, क्योंकि श्रोताओं को आपने सुनानी। हम ये केवल औपचारिकता नहीं पूरी कर रहे, ये क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ संवाद भी कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का संस्कार भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है, कैसे अनुभव करने हैं, हमारे संबंध क्या है इस देश के साथ, इस मिट्टी के साथ, इस समाज के साथ। तो थोड़ा जो है वो सौरभ कालिया वाला अंश अपने में लेकर के आए, क्योंकि फौज में लड़ाई उत्साह के बिना नहीं होती, ये तो है ना, कि चाहे वो आदमी चारपाई पे पड़ा क्यों ना हो, वो उठा के खड़ा खड़ा हो जाता है कि मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, ठीक है ना। इस भावना के साथ आपने बहुत अच्छा चुना है और अच्छे आपने बात हमें सुनाई है, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और इसको स्लाइड बीच में किसी ने दिखाई थी सौरभ कालिया की, कैप्टन सौरभ कालिया की, तो ये बड़ा अच्छा लगा, और आपसे मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर पावर पॉइंट तैयार करें थोड़ी सी, चाहे दो ही स्लाइड तैयार करें, लेकिन जरूर इसको तैयार करें, और फिर हम इसको एक बार प्रॉपर जो है एक बड़ा फंक्शन इसको आयोजित करेंगे। गुड, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद बारी है कैडेट अंकित पॉलिस्ट की। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरा नाम सर कैडेट अंकित पॉलिस्ता है, और सर आज मैं विक्रम बत्रा के ऊपर सर कुछ बताना चाहूंगा, जो कि बहुत फेमस है सर, वीर गति जो इनको प्राप्त हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर, ऑन कर लेते हैं पहले कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर।
कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के सैनिक थे। इन्हें यह सम्मान सन 1999 में मरणोपरांत मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के घुघुर में हुआ था। उनके पिता का नाम जीएम बत्रा और माता का नाम कमला कांता बत्रा है। 1996 में विक्रम ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर विक्रम की ज्वाइनिंग हुई। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व रॉकी नाब स्थानों को जीतने के बाद उसे उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर ले मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। सर उनके सेना में चयन कैसे हुआ उनका बताते हैं। सर विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व रॉकी नाब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। अंतिम सर उनको शेर शाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे वो उनका निकनेम था। अंतिम समय सर मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जब कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए पीछे घसीट रहे थे तब उनकी छाती में गोली लगी और वह जय माता दी कहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। धन्यवाद सर। धन्यवाद अंकित, आपने बहुत संवेदनशील कथा हमें सुनाई है, कहानी सुनाई है। और ऐसा भी लगता है कि आपने अच्छी तैयारी की थी इसके लिए। लेकिन फिर भी मेरा ये सुझाव आपको रहेगा कि जब आप ऐसी कहानी सुनाते हैं तो उसमें जो वर्णन है, जो परिस्थितियां रही हैं, जिन चुनौतियों को जिस रूप में देखा गया है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए कि वो जो चौकी है वो किस तरह से उसका किस तरह की उसकी आकार रही है और किस तरह की वहां परिस्थितियां रही हैं कि दुश्मन बिल्कुल ऊपर बैठा है और ये लोग नीचे हैं और नीचे से ऊपर जाते हुए किन मुश्किलों को इन्होंने सामना किया है, ये बातें भी आपको बतानी चाहिए। हाँ संदीप, आप कहना चाहते हैं कुछ? संदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद संदीप ने बीच में हाथ खड़ा किया था लेकिन मुझे लगता है कि शायद संपर्क नहीं रहा। तो मैं चाहूंगा कि अंकित अगली बार जब आप इस सारी बात को करें तो उसमें वहां का वर्णन जरूर करें कि वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या थी और वो युद्ध कैसे चला इतने समय तक, किस तरह से वो रेंग रेंग के आगे चले होंगे, किस तरह से कहां आड़ ली होगी और किस तरह से उन्होंने घायल अवस्थाओं में भी उन लोगों ने इस तरह का जो है अदम्य साहस प्रदर्शित किया है। हाँ संदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। सर कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे चंडीगढ़ के ही मिनर्वा एकेडमी के एक स्टूडेंट रहे थे। उसके अलावा सर उनको कहा जाता है कि उनकी 14th अटेम्प्ट के अंदर ही गॉट सिलेक्टेड, ही गॉट रिकमेंडेड बाय द NSSB 14th अटेम्प्ट के अंदर। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेने के लिए, हमारे कैडेट्स को बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लड़ाई के दौरान उनका जो बहुत ही फेमस चीज रही थी उनका एक डायलॉग था, दिल मांगे मोर। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था, उनका कोड नेम था ऑपरेशन के दौरान। और टाइगर हिल जिसके नाम से वो मेन जाना जाता है, टाइगर हिल वो कैप्चर कर रहा था।
और दो से तीन चौकियां वो पहले ही वो पार कर चुके थे, उनके बाद उनकी छुट्टी जाने की परमिशन भी मिली हुई थी। ही वॉज इवन आस्ट टू कम बैक रिटर्न टू द बेस बट ही सेड ही विल मांगे मोर, एंड इसने अपना जो नेक्स्ट जो टाइगर हिल थी उसको कैप्चर करने के लिए आगे बढ़े, जिस दौरान लड़ाई करते समय इनको वीर गति को ये प्राप्त हुए। तो बिल्कुल ये वो जो लड़ाई थी, इवन ही वॉज नॉट अलाउड टू फाइट एट दोज टैलेंट्स, ही वॉज आस्ट टू कम बैक रिटर्न टू बेस बट ही स्टिल आस्ट द आर्मी कि ये दिल मांगे मोर, आई वांट टू गो एंड फाइट एंड हेल्प मोर एंड मोर सोल्जर्स, क्योंकि दुश्मन बहुत ऊंचाई पे था, वहां से फेंका गया एक पत्थर भी गोली की तरह नीचे आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल उन टैलेंट्स बिल्कुल के अंदर फाइट करना, एक हाई दुश्मन जब ऊंचाई पे हो और हम ऊंचाई पे हो तो लड़ाई एक तरीके से 1/2 की हो जाती है, 50% कैजुअलिटीज हमारी इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। बिल्कुल संदीप, ये बात बिल्कुल सही कही है। और वो जो टाइगर हिल का वहां का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हैं भी बड़े मुश्किल हैं, कि क्योंकि उस तरह की आड़ मिलना और उस तरह की सारी चीजें जो हैं वो बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वाकई उनका जो साहस है, जो जोश है, वो वाकई हम लोगों के लिए जो है वो सैल्यूट के योग्य है। और वी रियली एक्नॉलेज हिज ब्रेवरी एंड ग्रेट सेक्रीफाइस फॉर अवर कंट्री, फॉर अस, तो वी मस्ट एक्नॉलेज इट। और अंकित जी, आप जरूर इस बात को ध्यान रखें, ठीक है? थोड़ा सा और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ की सर्दी कितनी है और चीजें कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल फीचर्स क्या हैं, और अगर आप ये जानकारी भी ले सकते हैं कि किस तरह के वेपन्स को लेकर के वो जुड़े लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, तो ये सारी बातें छोटी छोटी सी अगर हम ऐड करें तो उससे कहानी में एक जो है वो सघनता आती है, रुचि बढ़ती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहानी प्रस्तुत करेंगे तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इससे पूर्व जी जो सुरेंद्र और राहुल ने भी कहा है, उनके लिए भी मैं ये सुझाव दूंगा कि डिस्क्रिप्शन देनी बहुत जरूरी होती है कि किस तरह से लड़े, वीर गति। और दूसरा, ये शब्द बड़ा अच्छा आप लोगों ने प्रयोग किया, ये मुझे प्रयोग करना चाहिए था पहले। ये वीर गति शब्द जो है ये हमारे परंपरा का शब्द है, ये हमारी परंपरा का शब्द है कि वो वीर गति को प्राप्त हुए। सही शब्द का चुनाव करके, सही शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सारी सोच आपकी बदल जाती है। तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा आज ये आप लोगों ने शब्द प्रयोग किया, कैडेट्स की ओर से ये आया हुआ शब्द मेरे लिए बड़ा मान के योग्य है, वीर गति। और आगे से हम प्रयास करेंगे कि हम सभी के लिए, बलिदानियों के लिए वीर गति शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि शहीदी शब्द जो है वो सही शब्द नहीं है, क्योंकि मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता कि हम में से कोई शहीद नहीं हो सकता। आप वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, आप बलिदानी हो सकते हैं, शहीद हम में से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पृष्ठभूमि नहीं पता ऐसे शब्दों की। लेकिन क्योंकि वो प्रचलित हो जाते हैं और सोशल साइंटिस्ट ने कभी सोचा ही नहीं इन शब्दों के बारे में और इन शब्दों के पीछे जो अर्थ होते हैं, उनके पीछे का जो इतिहास होता है, क्योंकि हर शब्द अपना इतिहास लेके चलता है, वैचारिक इतिहास होता है उसका। तो लेकिन चलिए, ये अभी हमारा मौका नहीं है ये बात करने का, लेकिन मुझे खुशी हुई आप लोगों ने वीर गति शब्द का प्रयोग किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कैप्टन विक्रम बत्रा वाज एनसीसी कैडेट एयरविंग, हमारे ही डायरेक्टरेट से थे, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, एनआईपी के दौरान हम उनको हर बार प्रेजेंट करते हैं दिल्ली में, बहुत आरटीसी खूब, में एनआईपी के दौरान भी। गुड, ये अच्छी सूचना है। हाँ, ये चीज ऐड की जानी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास गर्व करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे से छूट जाती हैं। और अगर आपने देखा हो कि पुराने बुजुर्ग या जो कहानी सुनाने वाले लोग होते थे, जो संवाद करते थे, वो कितनी तरह की डिस्क्रिप्शंस बीच में एडअप किया करते थे, जिससे कहानी रुचिकर भी बनती है और ज्ञानवर्धक भी होती है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अब हम अगले कैडेट की ओर चलते हैं, अगली कहानी की ओर, कैडेट अभिनव कात्यायन। अभिनव, हाँ अभिनव, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी बात जो है, आज की जो आपने कथा चुनी है, उसको साझा करें हमारे साथ। जी,
जी इतना आपकी आवाज कट रही है अभिनव, आपकी आवाज कट रही है। आप ऐसे करें, आप एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा जुड़ें, ठीक है ना? हो सकता है तो उससे सिग्नल ठीक हो जाते हैं, तब तक हम अगले कैरेक्टर को ले लेते हैं। अभिनव, आप एक बार मीटिंग छोड़ करके दोबारा रिकनेक्ट हो, ठीक है? थोड़ी सी टेक्निकल, क्योंकि हिच आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद सिग्नल्स की दिक्कत आ रही है। तो अभिनव दोबारा तब तक जुड़ते हैं, तब तक हम अगले कैडेट मोनू की, मोनू को मैं कहूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें। उन्होंने जो कहानी, जो शूरवीर चुना है, उसके बारे में हमारे से बात करें। हाँ जी मोनू, अपना वीडियो ऑन करें और माइक ऑन करें। जैन सर, जय हिंद। सर मैं कैडेट मोनू सेकंड ईयर कैडेट हूँ सर। सर मैं हाँ जी, आपके सामने शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी लेके आया हूँ सर, आज आपके सामने। पूरा नाम दोबारा बताएं। मेजर? मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हाँ, संदीप उन्नीकृष्णन। ठीक, बहुत मेजर बढ़िया। संदीप उन्नीकृष्णन। तो सर उनका जन्म 15 मार्च 1977 को बेंगलुरु के कोचिकोड़ी, केरल के कोचिकोड़ी जिले में चोरुनूर से चोरुवीनूर में हुआ था सर। उनके जी, पिता का नाम सर के उन्नीकृष्णन, जो बतौर इसरो में अधिकारी रहे हैं, और उनकी माता का नाम धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन है सर। तो उनके वे अपने माता पिता इकलौती संतान थे सर। उन्होंने बेंगलुरु के फ्रैंक एंथनी स्कूल से अपनी शुरुआती स्टडी की है, और उसके 1995 में उन्होंने अपनी एएससी पास करके साल 1995 एनडीए में प्रवेश किया था सर। तो सर एनडीए में प्रवेश किया 12 जून 1999 सर, बिहार रेजिमेंट के 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के बतौर लेफ्टिनेंट नियुक्ति हुई है सर। सर इसी दौरान 12 जून 1999 को उनको ऑपरेशन विजय में कारगिल में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने अपनी सेवा दी स्टार्टिंग में। और सर उसी के बाद सर वो साल 2000 सा उसके बाद सर उन्होंने 12 जून 2003 में सर उनको बतौर कप्तान के लिए चुना गया सर, बिल्कुल। बतौर कप्तान के लिए चुना गया सर उनको। और 12 जून 2005 में सर उनको कैप्टन मेजर संदीप को सर एनर्जी कमांडो के लिए चयन किया गया सर, जिसे उन्होंने 2016 में ज्वाइन किया। इस दौरान जम्मू और कश्मीर विभिन्न स्थानों पर वो भारतीय सेना में सेवा करने के लिए ऑपरेशन में उन्होंने काम किया सर, सेवा दी अपनी। और उसके बाद सर वो राजस्थान में भी 2 साल के लिए उन्होंने जो आतंकवादी हमले या कुछ भी हुआ सर विद्रोह के दौरान उन्होंने अपनी वहां पे सेवा दी है सर। 2007 में सर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के लिए चुना गया। अट्ठाईस 26 सितंबर 2018 को सर मुंबई के मशहूर ताज होटल में सर एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो सर वहां पे सर उनको उनकी टीम को बुलाया गया था, जो अंदर मेहमान और होटल का जो स्टाफ था उनको बचाने के लिए सर, जो वहां पे सर आतंकवादियों लुके थे उन्होंने छुपे थे, और उन्होंने जैसे जो मेहमान थे वहां पे सर होटल में उनको बचाने के लिए उनको बुलाया गया सर। तो वो अपने 10 टीम के साथ सर वहां पे गए और वो बिल्डिंग में घुसे सर, जो ताज होटल की बिल्डिंग थी सर उसके 3rd फ्लोर पे वो घुसे वहां पे, और 2nd फ्लोर पे ही वहीं पे सर वो जो आतंकवादी थे वहां पे छिपे चुप हुए थे सर। तो उन्हीं की टीम के साथ जो वो जिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे सर, तो उनका ही एक दोस्त था सर सुनील यादव, उनको वो घायल हुए तब उस ऑपरेशन के दौरान सर। वो घायल हुए तो वो उनको बचाने लगे, जैसे जब उनको गोली लगी सर सुनील, जो उनके दोस्त थे सुनील यादव, जब उनको गोली लगी तो उनको बचाने के लिए वो दौड़े, और उसी दौरान उनको गोली लगी वो घायल हो गए सर।
उन्होंने कैसे करके अपने दोस्त को बचाया, तो उनको बाहर भेजा वहां से होटल से, और अब वापिस आए अपने मुल्क में उनको भेजा, और खुद गायब होते हुए भी उन्होंने काफी आतंकवादी को मार गिराया था सर, जो वहाँ पे ताज होटल में छुपे हुए थे। घायल होते होते फिर उन्होंने अपने उनको बचाया, और इसी दौरान जब आतंकवादी वहां से सर भागने लगे, तो वो वहां पे एक दीवार पे सर उसके ऊपर चढ़े और अपने साथियों को बोला उन्होंने कि आप यहाँ पे मत आओ, मैं से खुद अकेला निपट लूंगा। तो इसी दौरान सर एक पीछे से आतंकवादी आया और उनके पीछे छुपा हुआ था सर, उन्होंने उनके पीछे से हमला कर दिया और वो घायल हो गए, और इस वजह से वो वीरगति को प्राप्त हो गए सर। जी, और इसी दौरान सर उन्होंने 14 जो महिलाएं थी जो आतंकवादियों की कैद में थी सर, उनको वहां से छुड़ाया, सुरक्षित बाहर निकाला उनको, उसके बाद सर वो वीरगति को प्राप्त हो गए सर। जी, और उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए सर, और इन्हीं के नाम पर बेंगलुरु में के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है, और उनकी बहादुरी के लिए मेजर संदीप उन्नीकृष्ण बहादुरी के लिए उनको मरणोपरांत शांति काल के सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया गया है सर। 26 नवंबर 2009 को उनको ये पुरस्कार दिया गया था, 26 जनवरी 2003 को सर। और इसी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट उनकी बायोपिक पे एक फिल्म बना रहा है सर, जो 2021 के स्टार्टिंग में आने वाली है सर। बहुत अच्छा। और सर इसके लास्ट में कहना चाहूंगा, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून और मिलकर झुक कर करें सलाम उनके, जिनके हिस्से में हम काम आता है, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद मोनू प्रधान, आपने बहुत बढ़िया और सशक्त भारतीय सेना के एक विशिष्ट व्यक्तित्व का हमसे परिचय कराया, उसकी उपलब्धि के बारे में बताया। लेकिन मेरा आपको सुझाव रहेगा कि कहानी को कहानी के तरीके से थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। सीखना भी है हमने ये, ठीक है ना, कि केवल सूचना नहीं देनी है, हमने कहानी सुनाने का भी एक तरीका सीखना है। ये सारा प्रयोग जो है ये सीखने के लिए है, सीखने और सिखाने के लिए है। तो उसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करके, चाहे आप उसको पूरा का पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक स्लाइड लगानी चाहिए थी, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि इनके मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की एक स्लाइड भी लगा देते तो बहुत अच्छा रहता। और जब आप ये बताते हैं ना कि वहां आतंकवादियों के साथ वो लड़ रहे थे और उनके साथ, तो वहां के अंदर के माहौल को भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। ये मैं बार बार आप कैडेट्स को बता रहा हूं कि वहां का, जब तक आप परिस्थितियों का वर्णन नहीं करेंगे बीच में, थोड़ा सा बहुत व्यापक नहीं कि भाई उसे मूल विषय से हट जाएं, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी होता है, क्योंकि वहां हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली स्थिति आ जाती है। क्योंकि आप दीवारों के पीछे हैं, दरवाजों के पीछे हैं, खंभों के पीछे हैं, और आपको बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं होता कि किधर से आप पे गोली आ जाए, ठीक है ना। तो किस तरह से बचते हुए, और क्योंकि वहां पर कौन सा टेररिस्ट जो है वो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर है, आप नीचे हैं, और गोली किस तरफ से आ सकती है, ये सारी चीजें थोड़ी सी इसमें जरूर एडअप करें। बहुत खूबसूरत ये कहानी हमारे लिए बन जाएगी, प्रेरणादायक और अधिक हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस कहानी को दोबारा से प्रॉपरली लिखें, ठीक है ना। अभी समय हमारे पास है, तो अच्छा आपने प्रयास किया है, प्रशंसा की है। संदीप, आप कुछ कहना चाहते हैं मेजर संदीप के बारे में? नहीं सर, मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा सर, सैम मानिक शाह आपने कहा था तो मैं उसको सुनाऊंगा आगे लास्ट में। अच्छा, तो अभी हमारे पास कैडेट अभिषेक कनौजिया है, उसकी बात सुनने के बाद फिर अंकित पॉलिस्ट जुड़ गए हैं ना, सॉरी अभिनव, अभिनव जुड़ गए हैं आप? यस सर। हाँ, अब आप अपनी बात सुनाएं, क्योंकि उस वक्त स्पष्ट नहीं था। सर आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। जी सर, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में।
परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया है। उनका जन्म 10 मई 1980 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव भी भारतीय सेना में थे, कुमाऊं रेजिमेंट में, और उनके जो बड़े भाई थे वो भी इंडियन आर्मी में थे। तो अपने पिता और अपने भाई को देखकर उन्होंने भी मन बना लिया था कि वो भी जाएंगे तो भारतीय सेना में ही जाएंगे। केवल 19 साल के थे जब वो उन्होंने ये सोचा था कि वो भारतीय सेना में जाएंगे, और 16.5 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन भी कर ली। केवल 16.5 साल की उम्र में उन्हें भारतीय सेना ने चुना हो गया था और वो 18 ग्रेनेडियर्स में सिलेक्ट हो गए थे। 19 मई 1999 कारगिल वॉर जब अपने चरम सीमा पे थी तब वो केवल 19 साल के थे। उनके कमांडर, उनके 18 ग्रेनेड यूनिट के कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने उन्हें उनकी पोस्टिंग वॉर जोन में कर दी। 19 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने घातक प्लटून नामक एक टुकड़ी में अपना सिलेक्शन करवा लिया था। घातक प्लटून टुकड़ी का मिशन था टाइगर हिल पे जो 3 बंकर्स बने थे उन्हें कैप्चर करना। घातक प्लटून के उनके जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, और उनके साथ उन्होंने एक टुकड़ी बनाई 7 लोगों की, जिसमें सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी भी एक थे। उनका मिशन था कि टाइगर हिल पे बने 3 बंकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टाइगर हिल से जो जितने भी रोड है, आर्म्स एंड अम्यूनिशन है, वो सब उनका दिखता है, उनको कैप्चर करना। 4 जुलाई 1999 उन्होंने ये मिशन बनाया कि जो 3 बंकर है ऊपर टाइगर हिल पे उन्हें कैप्चर करना है। 7 लोगों की टुकड़ी जिसमें सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव भी एक थे, उन्होंने 2 रातें और 1 दिन का पहाड़ी सफर शुरू करा, और खड़ी पहाड़ी पे चढ़कर उन्होंने जैसे तैसे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। पर जब वो पहुंचे तो ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक तो जैसे उनका इंतजार ही कर रहे थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और उनमें से योगेंद्र सिंह यादव जी को 15 गोलियां लगी उनके हाथों पर, उनकी छाती पर, उनके पैरों पर। उनके बाएं हाथ की हड्डी पूरी तरह से निकल चुकी थी और बिल्कुल नम हो गया था, हाथ काम ही नहीं कर रहा था। उन 7 जवानों में से 6 वीरगति को प्राप्त हुए। योगेंद्र सिंह यादव अकेले जी बचे हुए थे, पर जैसे तैसे उन्होंने 1 बंकर को डिस्ट्रॉय किया और जैसे तैसे पहाड़ी से नीचे आए। खड़ी पहाड़ी पे चढ़ना आसान होता है, उतरना बहुत मुश्किल होता है। घायल होने के बावजूद भी वो पहाड़ी से जैसे तैसे आए अपने बेस पे, और अपने कमांडर को अपने उन्होंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी बंकर्स के बारे में, और उन्होंने उनकी काफी मदद करी और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। केवल 19 साल के थे वो जब उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया, और वो अभी भी जीवित हैं और अभी एज ए इंस्ट्रक्टर है इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर की पोस्ट पे। क्या बात, बहुत खूब। ऐसे व्यक्तियों पे, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों पे हम कैसे गर्व ना करें। हमारा सचमुच ऐसे लोगों के बारे में जान करके हमारे भीतर जो एक जोश आता है, हमारे भीतर जो एक उत्साह की भावना बनती है, वो वाकई हमारे लिए बड़े प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे सैल्यूट के, धन्यवाद के, सम्मान के पात्र हैं, और निश्चित रूप से आप सब की ओर से इनके प्रति मैं अपना अभिवादन भी व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा आपने चरित्र चुना हमारे लिए, वाकई ये प्रशंसा के योग्य है। और थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित करें, अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण अच्छा था, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा बेहतर इस दृष्टि से बनाएं कि और अधिक इसमें डिटेल्स वहां पे डालें, और ये अच्छा रहता कि इसकी भी स्लाइड अगर हमारे साथ होती तो कहानी में थोड़ा सा और भी ज्यादा जो है मजा आ जाता। चलिए अब आखिरी जो हमारे कैडेट हैं अभिषेक कनौजी है, उनसे हम आज की कहानी सुनते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कौन सा भारतीय सेना का पात्र चुना है। उससे पहले संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, जो सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की जहां बात की गई है, परमवीर चक्र इनको मिला है। ये इकलौते एक ऐसे हमारे भारतीय सेना के जवान है जिनको मरने से पहले जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, और इनके स्पाइट ऑफ द रैंक चीफ ऑफ स्टाफ भी इनको सल्यूट मारता भी है। क्या बहादुरी की, ये उनको स्पेशल दर्जा मिलता है परमवीर चक्र को, कि डिस्पाइट ऑफ द रैंक, जिस मर्जी रैंक पे हो, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी होगा वो भी उनको सैल्यूट देगा, वो सैल्यूट का अधिकारी होता है। यस सर, ही डिजर्व द सैल्यूट ऑफ द कंप्लीट इंडियन आर्मी डिस्पाइट ऑफ हिज रैंक, ही सीओ सैल्यूट्स हिम। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सभी कैडेट्स के लिए एक नई जानकारी है कि परमवीर चक्र विजेता जो होता है उसको कोई भी हो
किसी भी रैंक का अधिकारी हो वो भी उसको सैल्यूट करता है। और देखिए कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा, कितने साहस की बात होगी कि जिसको ये परमवीर चक्र मिला है, इस देश ने उसके उससे अपने को गौरवान्वित अनुभव किया है कि ऐसे वीर का सम्मान करके अपने को हम कैसे गर्व की भावना का अनुभव किया है। ये वाकई प्रशंसा की बात है। थैंक यू संदीप, तुमने ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि ये परमवीर चक्र जो है हमारे सारे कैडेट्स का लक्ष्य होना चाहिए और उसको उपलब्ध करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना भीतर जज्बा पैदा करना पड़ता है, कितने स्किल्स सीखने पड़ते हैं। आपके पास समय नहीं है कि समय को यूं ही व्यर्थ कर दें, तो हर समय का हर पल का जो है सदुपयोग करें, सीखने में करें, ताकि कल को आप भी सम्मान के अधिकारी हों। तो चलिए अब अंतिम अभिषेक कनौजिया जी की ओर चलते हैं। थैंक यू मुस्कान शर्मा, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। आप बार बार जो शेयर करती हैं स्क्रीन, उन जवानों को हमारे साथ साझा करती हैं, उनके चित्र प्रदर्शित करती हैं। इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू, वेलकम। अभिषेक अभिषेक मुझे लगता है जैन सिर में। हाँ जैन सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। जैन श्रीमान, मेरा नाम कैडेट अभिषेक कनौजिया है और आज मैं आपके सामने हमारे शहीद अशोक चक्र सम्मानित लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ जी, ये हमारे कमांडर, ये नवदीप सिंह जी हमारे घातक प्लाटून के कमांडर रह चुके हैं जो कि 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री में है। इनका जन्म 8 जनवरी 1985 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड में सारे मिलिट्री से रिलेटेड थे एज एन ऑफिसर। इनके दादाजी जूनियर कमीशन कमांडर रह चुके हैं और इनके पिताजी भी एक ऑनरेबल कैप्टन से रिटायर्ड हो चुके हैं। और ये हमारे, इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी 10 मार्च 2011 मराठा लाइट इन्फेंट्री के अंदर। इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर गुरेज सेक्टर में हुई थी, जिनकी इनकी मुला इनको इनकी रेजिमेंट को जानकारी दी गई थी कि 17 वेल ट्रेंड आतंकवादी घुसपैठ करेंगे आपके एरिया से। इन्होंने अपनी टीम के साथ वहां घात लगाए बैठे आतंकवादियों का इंतजार किया था। ये पहाड़ी इलाका था, ये हम समय नहीं बता पाए कि सुबह का था या रात का था, लेकिन इन्होंने घात लगा के बैठे थे। इन्होंने अपने साथ किसी जवान को ना रखकर बाकी जवान को साइड में रखा था और जहां से वो मेन एंट्रेंस के गेट थे वहां पे ये अकेले ही खड़े थे ताकि वो सीधा भिड़ सके। इनको दिख गया था कि सामने से 17 आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। इन्होंने इंतजार किया ताकि उन्हें और पास आने दिया जाए और उनको और घातक हमला किया जा सके। तो जब वो पास आए तो इन्होंने गोला बारूद स्टार्ट कर दी, जिसके दौरान इन्होंने 4 आतंकवादियों को मार दिया था और इनकी इनके सर में गोली लग गई थी। सर में गोली लगने के बावजूद इन्होंने अपने घायल सैनिक को एक सेफली जगह पे रख बिठाया और उनके बाद इनका ये ऑपरेशन 10 अप्रैल 2011 को चला और जिस दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनको 63rd रिपब्लिक डे पे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और बस इसके बारे इनके बारे में मुझे अभी इतना ही पता है, धन्यवाद। चलिए, आपको थोड़ा सा और इसके ऊपर खोजबीन करनी चाहिए थी और बहुत बढ़िया चरित्र आपने हमारे लिए आज के चुना है, लेकिन थोड़ा और मेहनत कीजिए और अगली बार जब आप इस कथा को प्रस्तुत करें तो और ज्यादा सशक्त रूप में प्रस्तुत करें। और बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ आशुतोषी जी सर, मैं भी दो शब्द बोल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, 2 मिनट बस आखिरी बात करके ये बस अब समापन की ओर ही है और आपका फिर हम वक्तव्य लेंगे। तो संदीप यादव को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ आज की आखिरी कथा जो है हम सबके साथ साझा करें। जय सर, जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह के साथ। फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह को हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं ही, और वो 1971 की इंडो पाक वॉर के हीरो भी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वाज़ द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर
who got promoted to the rank of field marshal. He was born in Amritsar, died on 27th of June 2008. इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, वर्ल्ड वॉर टू, इंडो पाक वॉर 1947-1948, सिंधो इंडियन वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जो कि 1971 की वॉर है. एक बार जंग के दौरान इनको 7 गोलियां लगी. जब ये मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, इन्होंने कहा किसी गधे ने लात मार दी. ऐसा रहा है कि बिल्कुल हंसी मजाक और बिल्कुल ये बहुत ही माने हुए और बहुत ही इनकी सर्विस के दौरान जैसा आपने कहा था कि कोई भी किसी भी तरह का इन्होंने कभी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया और बहुत ही मजेदार इंसान रहे हैं, बहुत ही मजेदार जनरल रहे हैं आर्मी के. एक बार 1971 के दौरान इंदिरा गांधी को डर ये था कि कहीं भारतीय सेना तख्ता पलट ना कर दे, तो इस बात की भनक सैम मानिकशा को भी लग गई कि हाँ इंदिरा गांधी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं तख्ता पलट ना कर दूं. तो इंदिरा गांधी से पहले कि उनसे जाके बात करती, वो खुद इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं मानता हूं कि आपकी नाक भी लंबी है और मेरी नाक भी लंबी है, पर मैं किसी दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता. बिल्कुल ठीक कहा. और एक और बात, इंदिरा गांधी जी को, ये इकलौते ऐसे आदमी है, जब इन्होंने 1971 के वॉर के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा कि सैम क्या हम तैयार हैं, तो सैम मानिक शाह ने कहा आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी. तो ही इज द ओनली जनरल इन द आर्मी, ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी जी को स्वीटी के नाम से कभी कहा. और बहुत सारी कहानियां हैं. 1962 की जो चाइना के साथ हमारी वॉर चल रही थी, उस दौरान मिजोरम में एक बटालियन पोस्टेड थी. उस समय उस बटालियन को किसी भी तरह की कोई होप नहीं लग रही थी कि हम लोग जीत पाएंगे, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स को लेटर लिखा कि हम लोग पीछे हटना चाहते हैं. सैम मानिक शाह ने एक डब्बे के अंदर चूड़िया रख के उस रेजिमेंट को भेज दिया और कहा कि अगर तुम लड़ नहीं सकते तो अपने फौजियों को कहो कि ये चूड़िया पहन ले. और इनके इस कार्य से वो रेजिमेंट इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि 1962-63 की वॉर ने वो एक हीरो की तरह उभर के सामने आई. और जब उन्होंने इतनी बहादुरी का जज्बा दिखाया उस बटालियन ने, तब सैम मानिक शाह ने दोबारा एक लेटर लिखा उस यूनिट के सीईओ को और कहा कि ये डब्बा तुम वापिस यहाँ भेज दो, जो इसको डिजर्व करता था उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा. तो सैम मानिक शाह इनका तो मतलब. और हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि अगर पार्टीशन के टाइम पे इंडियन आर्मी को जगह अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आप क्या करते, तो इन्होंने कहा था तो भारत 1971 की वॉर हार जाता. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. हाँ, और एक वॉर के टाइम सर इनकी कहानियां इतनी है जिनकी कोई हद नहीं, क्योंकि इन्होंने वॉर इतनी लड़ी है, वर्ल्ड वॉर इंडो पाक, सिंध वॉर, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. एक वॉर के दौरान इनका एक गुरखा घायल हो गया. ही वाज शॉट. फेंटू के पास गए और उनसे कहा कि कितनी गोलियां लगी हैं, बोले 4. बोला तेरी उम्र में मैं 7 गोलियां छाती पे लेके बैठा था, ये गोलियां नहीं है, ये मेडल्स है जो हमें मिले हैं. बिल्कुल बिल्कुल, तू एक गोली से डर रहा है, मैंने तेरी उम्र में 7 गोलियां छाती पे खाई थी. बिल्कुल, ये he is a great motivation to the soldiers, he is a great motivation to each and every person जो कभी भारतीय सेना का हिस्सा है या हिस्सा बनना चाहता है. इनकी कहानियां सर बहुत हैं, बहुत मशहूर आदमी रहे हैं. और ये तीसरे ऐसे आदमी आज की डेट में जिन्होंने भारतीय सेना की सेवा 27 जून 2008 मरने तक की है. बिकॉज फील्ड मार्शल का रैंक होता है वो आपके आपके मर जाने तक, आपके जब तक आप एक्सपायर होते हो तब तक आपको मिलता है. हम इसको शहीद या फिर वीर गति नहीं बोल सकते, बिकॉज़ ही वाज रिटायर्ड एज अ जनरल, लेटर ऑन ही गॉट प्रमोटेड एज अ फील्ड मार्शल एंड देन ही वाज इन सर्विस टिल 27th of June 2008 बीइंग एज अ फील्ड मार्शल. उनके बाद अर्जन सिंह को ये एयर मार्शल अर्जन सिंह को ये उपाधि दी गई थी. तो इनकी कहानियां बहुत है सर, और ये उनमें से कुछ प्रमुख जो वाक्य है वो मैंने आपको बताए. बस सर, थैंक यू सो मच. जय हिंद सर. जय हिंद. बहुत बढ़िया संदीप, आपने मेरे मन की बातें आपने कर दी. और आप सभी कैडेट्स को, मुस्कान आप अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा बंद कर लीजिए, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए मुस्कान. एक जो पॉलिटिकल एंगल वाली बात है वो बड़ी मजेदार उनकी है, क्योंकि संदीप ने बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ साझी कर दी है. 71 की वॉर में जब इंदिरा गांधी ने इनको कहा था कि आप जल्दी से बस वॉर शुरू कर दो और आक्रमण कर दो, एंड ही ब्लंटली रिफ्यूज्ड, यस सर, डोंट टेल मी माय जॉब,
ये मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर को मना करना, और उन्होंने अपने हिसाब से ही वो सारी प्लानिंग की, और जब सर्दियां आई तब जाकर के वो सारी वॉर हुई, और तब उनकी जो प्लानिंग थी वो सारी बातें थी। और इंदिरा गांधी बहुत ही फेमस डायलॉग था इनका उस सीयू कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब इंदिरा गांधी ने कहा था सैम आर वी रेडी फॉर द फाइट, सैम मानिक शाह ने कहा था कि मैम यू आर टॉकिंग लाइक गॉड, कि आपने मैम आपने बाइबल पढ़ी है, बाइबल में लिखा गया है कि गॉड सेड लाइट एंड देयर वाज लाइट। This was the exact dialogue by Sam Manekshaw, कि सिर्फ आपके कहने से हम जंग नहीं लड़ सकते, हमारे पास वो सारी चीजें भी होनी चाहिए, हमें क्लाइमेट भी देखना पड़ेगा। बिकॉज जिस टाइम पे वॉर की बात इंदिरा गांधी कर रही थी उस समय बांग्लादेश के अंदर गंगा रिवर की वजह से फ्लड आ जाता है और हमारे टैंक्स भी प्रिपेयर नहीं थे, तो सैनी मानिकशाह ने एक साल का टाइम लिया आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन वी फोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 वॉर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक अद्भुत और कमाल की बात थी कि सैम मानेकशॉ जैसी पर्सनैलिटी ही ये कर सकते थे कि इंदिरा गांधी जैसे इतने सशक्त लीडर को जो है वो जो है मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, और अपने तरीके से जो आर्मी की प्रायोरिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए और स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए वो काम कार्रवाई करते हैं। तो वाकई आज का हमें आ रही जानकारियां बहुत अधिक बढ़ी हैं, हम लोगों ने बहुत खूबसूरत पल आपस में एक दूसरे के साथ साझा किए हैं, और एक दूसरे को कहानी सुनाना आज सफल हो गया है। और इससे पहले कि मैं कुछ और बातें आप लोगों के साथ साझा करूं, हमारे साथ राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश मदान जी जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ इसके ऊपर अपने विचार साझा करें और फिर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। हेलो जी, जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जैन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आशुतोष संगीरस जी, आज आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने इस प्रकार का वेबिनार जो कैडेट्स के साथ किया वास्तव में बहुत ही सराहनीय एवं प्रभावी है, क्योंकि इसमें सभी विद्यार्थियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया कहानियों के माध्यम से। जितने भी वीरगति प्राप्त व्यक्ति हैं उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, और उनकी रोल और रेलेवेंस के बारे में, जिनके कारण आज हम उनको रिमेम्बरेंस विद रेवरेंस कर रहे हैं। विद्यार्थियों कैडेट्स ने वास्तव में न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इनोवेशन, आइडियोलॉजी, इंस्पिरेशन और इंटेलेक्ट का परिचय दिया है, वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों ने इस समय अपने विचार व्यक्त नहीं किए, भविष्य में वो इस प्रकार का प्रयास करेंगे ताकि वे भी इसी प्रकार के कार्य में सक्षम हो सकें, राष्ट्र के विकास में अपना विशेष योगदान कर सकें। मेरा अंतिम संदेश इन सभी विद्यार्थियों को है कि इन्होंने माइल्स टू गो बिफोर दे हैव टू स्लीप, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत, यही आज के वेबिनार का मैं अपना संदेश देना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमेश मदान जी, बहुत सटीक और सशक्त टिप्पणी आपकी ये रही है इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए मैं सभी कैडेट्स की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के जो हमारे कथावाचक रहे हैं जिन्होंने कहानियां हमारे साथ साझी की हैं उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, और बाकी सभी कैडेट्स जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम को सफल बनाया है इन कहानियों को सुनने के लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी के प्रति। और साथ ही ये भी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कैडेट्स हैं, वो सब चाहे दो दो स्लाइड्स ही कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर चुने, और मैं चाहूंगा कि अगली बार हम इसको ज्यादा सुंदर और सशक्त रूप में प्रस्तुत कर सकें, चाहे हम वो दो भागों में करें चाहे तीन भागों में करें, देख लेंगे वो। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार सभी कैडेट्स जो हैं, क्योंकि ये सभी को सीखना है, बोलने की कला भी आपने सीखनी है, अभिव्यक्ति का विश्वास भी आपने देखना है, आपने भाषा का चुनाव भी सीखना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है, सीखनी है।
तो इसलिए मेरा आप सब लोगों को आदेश रहेगा कि अगली बार जब हम ये करें, और जल्दी ही करेंगे, और संदीप आपके लिए ये आदेश है कि मुझे जल्दी आप सूचित करेंगे इस विषय में, कितने स्टूडेंट जो हैं, कितने कैडेट ने तैयारी की है। अभी आप अपना माइक ऑफ ही रखें संदीप, अभी मैं एक दो बातें और साझी कर लूं। हाँ जी, नहीं तो वो आवाज गूंजती है मेरी। तो मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा है, अच्छा रहा है। मैं खुद अपने आप को बड़ा भावना से पूर्ण समझ देख पा रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। और हालांकि मुझे संदेह था कि पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं होगा, लेकिन अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया है, सभी ने मिलकर किया है, उसके लिए एक बार पुनः आप सबका आभार। इससे पूर्व कि हम इस मीटिंग को, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करें, एक सूचना और मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि एक मेरे मन में और विचार है। मैं और संदीप मिलकर योजना बना रहे थे कि एक दिन हम कॉलेज में जो साइकिल जो है, साइकिल रेस तो नहीं हम कहेंगे उसको, लेकिन साइकिलिंग का एक कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें दो तीन चीजें रहेंगी। वो साइकिलिंग आम साइकिलिंग की तरह नहीं रहेगी, आप अपने पिट्ठू लगाएंगे 20 या 15 किलो का, वो देख लेंगे, भार आपके साथ रहेगा, राइफल आपके साथ रहेगी, और कई सारे हर्डल्स आपको अपनी साइकिल के साथ पार करने होंगे। तो कॉलेज के ग्राउंड को हमने कुछ उस तरह से देख लिया है, प्लान आउट कर लिया है, तो बहुत जल्दी ही, हो सकता है अगले 2-3 दिन में ही इस साइकिल हर्डल साइकिल रेस को हम शुरू कर पाए। तो यदि आप में से जिन लोगों की, जिन कैडेट्स की रुचि हो, वो सभी कैडेट्स जो हैं वो संदीप को अपना नाम दे देंगे, और उस वो रेस भी मेरा ख्याल है हम अभी विचार कर रहे हैं। एक तो दो लोगों की एक साथ रहेगी बड्डी बनकर के, बड्डी पेयर में, और एक इंडिविजुअल रहेगी। तो संदीप इस चीज को आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे, इनके नाम ले लेंगे जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और इस बात का सभी ध्यान रखेंगे कि 6 फुट की दूरी जब हम इकट्ठे होंगे इस कार्यक्रम के लिए, सभी ने मेंटेन रखनी है, सभी मास्क पहनेंगे और हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि हर्डल्स हैं उसमें, इतना आसान नहीं होगा कि भाई आप यूं ही साइकिल चला के चले जाएंगे, वो सरल नहीं है, क्योंकि कई जगह आपको साइकिल उठानी होगी, साइकिल आपके कंधों पे होगी, और कई जगह आप साइकिल के ऊपर होंगे। तो इस तरह की एक आयोजन हम करने जा रहे हैं निकट भविष्य में, और इसी तरह की कुछ एक चीजें और गतिविधियां हम जल्दी ही और आयोजित करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और आप लोगों ने आज जिन महापुरुषों की, जिन बलिदानियों की, जिन वीर गति प्राप्त पात्रों का हमसे परिचय करवाया है, और हमारे मनों में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संदीप, कोई और सूचना देना चाहते हैं आप? नहीं सर, बस मैं इसीलिए बोल रहा था कि वो जो नेक्स्ट इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपने वो पहले दे दी सर, थैंक यू। हाँ, बस वो ही है। तो जो लोग भी उसमें साइकिल हर्डल रेस, उसमें बहुत सारे विघ्न रहेंगे, हर्डल का मतलब उसमें विघ्न है, ठीक है ना, तो उसको आसान मत समझिएगा। तो उसके लिए अपने नाम जो है जल्दी से दे दीजिएगा, तो हो सकता है इस सैटरडे कर लें या मंडे को कर लेंगे। तो ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद, और फिर हम दोबारा मिलते हैं, आप लोगों को हम सूचित करेंगे, और सभी लोग एक एक कहानी जरूर चुनेंगे। मैं चाहूंगा दोबारा जब हम मिलें तो उसको 2-3 सेशंस में करें, अलग अलग जवानों को चुने, अलग अलग वीरों को चुने, और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, एवरीबॉडी कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संदीप। जय हिंद सर। जय हिंद।